मसूरी देहरादून हाईवे पर एक दर्दनाक हादसा हुआ था जिसमें 42 यात्रियों से भरी रोडवेज बस खाई में गिर गई थी। बस में सवार 29 यात्री घायल हो गए थे और वहीं 4 यात्रियों की मौत हो गई थी। घायलों को इलाज के लिए दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया गया, जहां कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास ने घायलों का हालचाल जाना और उनके उचित इलाज के लिए निर्देश दिए। मसूरी देहरादून हाईवे पर हुए हादसे में कई यात्री घायल हो गए। घायलों का इलाज दून मेडिकल कॉलेज में चल रहा है, जहां झारखंड के परिवहन मंत्री रामचंद्रन दास ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल चाल जाना। परिवहन मंत्री ने कहा कि डॉक्टरों को घायलों के उचित उपचार के निर्देश दिए गए हैं, इनके इलाज में कोई कमी नहीं रहेगी। हादसे में घायल हुए लोगों को परिवहन विभाग की तरफ से मुआवजा दिया गया है, साथ ही मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है। मसूरी में जो हमारी रोडवेज की अनुबंधित बस है, उसकी जो दुर्घटना हुई वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हुई है। उसमें 2 लोगों की कैजुअल्टी हुई है और लगभग 29 लोग घायल हुए हैं। 2 गंभीर घायलों को मैक्स अस्पताल में भर्ती किया गया है और बाकी 12 घायल कल शाम को रिलीव हो गए हैं। बाकी घायलों का इलाज दून अस्पताल में किया जा रहा है, जिसमें मैं स्वयं आज मैंने देखा। मेरे साथ परिवहन विभाग के अधिकारी थे और तत्काल प्रभाव से सभी घायलों को जो घोषित धनराशि हमारी वो उपलब्ध करा दी गई है। मृतकों को भी 4-4 लाख के भुगतान के आदेश दे दिए गए हैं और वहाँ के सभी जो चिकित्सा विभाग के हमारे अधिकारी हैं उनको ये निवेदन किया है कि तत्काल सबका इलाज सुलभ तरीके से किया जाए और रोडवेज के अधिकारियों को ये निर्देशित किया गया है कि आइंदा ऐसी कोई घटना न हो जो गाड़ी जो ड्राइवर के कारण जो लापरवाही हुई है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए और ऐसी गाड़ी को भी सीज करके उसको दोबारा सड़क पर ना आए ऐसा आदेश जारी किया जाए। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।